आपको बता दें कि स्थापना दिवस को लेकर जहां पूरे राज्य में तैयारियां की जा रही हैं, उसी बीच प्रतापनगर की जनता को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से डोबरा चाटी पुल की सौगात दी गई है। यह तोहफा स्थापना दिवस के अवसर पर प्रतापनगर की जनता को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से दिया गया है। करीब 14 साल के इंतजार के बाद यह पुल वहां की जनता को मिला है। बता दें कि डोबरा चाटी पुल एशिया के सबसे लंबे झूला पुल जो है उनमें शुमार है। इसके साथ ही बीजेपी का जो चुनावी संकल्प पत्र था उसमें भी इस पुल का जिक्र किया गया था, यानी कि बहुत लंबे समय से इस पुल का इंतजार किया जा रहा था। 3 अरब की लागत से इस पुल का निर्माण किया गया है, यानी कि बहुत बड़ी राशि इस पुल के निर्माण के लिए लगी है। विरोध प्रदर्शन भी जरूर इस पुल के निर्माण के दौरान देखा गया था, लेकिन आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से प्रतापनगर की जनता को इस पुल की सौगात दी गई है, यानी कि ये पुल तोहफा के रूप में आज के दिन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से प्रतापनगर की जनता को दिया गया है। इस पुल की यह है कि एशिया के जो सबसे लंबे झूला पुल हैं उसी में ये पुल भी शुमार है। इसके साथ ही करीब 14 साल के इंतजार के बाद ये पुल प्रतापनगर की जनता को दिया गया है। बीजेपी के चुनावी संकल्प पत्र में भी इस पुल के बारे में जिक्र किया गया था, इस पुल को देने की बात कही गई थी। और उसी के बाद अब जब 21वें स्थापना दिवस को लेकर पूरे राज्य में तैयारी की जा रही है, उसी के अवसर पर आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से इस पुल की सौगात, डोबरा चाटी पुल की सौगात प्रतापनगर की जनता को दी गई है। बता दें कि करीब 3 अरब की लागत से इस पुल को तैयार किया गया है। डोबरा चाटी पुल का सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोकार्पण किया। बता दें कि 14 साल के बाद प्रतापनगर की जनता जो है काफी लंबे समय से इंतजार इसका कर रही थी। 14 साल के बाद आज इस पुल की सौगात प्रतापनगर की जनता को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से दे दी गई है। काफी लंबे समय का इंतजार आज जनता का खत्म हो गया है, जिसके बाद आज उस पुल की सौगात दी गई है और खुशी का माहौल जरूर प्रतापनगर की जनता में है। बहुत खुश प्रतापनगर की जनता इस पुल की सौगात मिलने के बाद दिखने को मिल रही है। तो बता दें कि 21वें स्थापना दिवस को लेकर पूरे राज्य में तैयारियां चल रही थी, उसी बीच आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से डोबरा चाटी पुल की जो सौगात है वो प्रतापनगर की जनता को दी गई है। करीब 14 साल के बाद ये पुल वहां की जनता को दिया गया है। एशिया के जो सबसे राज्य स्थापना के 21वें वर्ष के प्रवेश के अवसर पर और दीर्घ काल से जिसकी हम सबको प्रतीक्षा थी, आज डोबरा चाटी पुल के लोकार्पण के अवसर पर मंच पर विराजमान मेरे सहयोगी मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी, हमारी टिहरी की लोकप्रिय सांसद आदरणीय माला राज्य लक्ष्मी साहा जी, मेरे दूसरे सहयोगी मंत्री उच्च शिक्षा सहकारिता डॉक्टर धन सिंह रावत जी, जिला पंचायत की सम्मानित अध्यक्ष श्रीमती सोना सजवान जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जिनको सब आप गुड्डू भाई के नाम से पुकारते हैं, ऐसे श्री विजय सिंह पंवार जी, विधायक टेहरी श्री धन सिंह नेगी जी और घनसाली के हमारे विधायक श्री शक्तिलाल साहजी, हमारे राज्य मंत्री के जिनको दायित्व है, ऐसे श्री रोशनलाल सेमवाल जी, अतर सिंह तोमर जी, पार्टी के हमारे जिले के अध्यक्ष श्री विनोद रतूड़ी जी, पार्टी के हमारे मंडल अध्यक्ष जयेंद्र सेमवाल जी, गोविंद सिंह रावत जी, राजेंद्र सिंह जी, हर्षमणि सेमवाल जी, पत्रकार मित्रों और इस क्षेत्र की मेरी सम्मानित बहनों और भाइयों, मैं आज आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मेरे लिए शायद प्रताप नगर वालों के लिए जितनी खुशी की बात होगी, मेरे लिए भी उससे ज्यादा खुशी और संतुष्टि का यह मौका है, क्योंकि टिहरी बांध के बनने से लेकर इसके
तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से आज प्रतापनगर में डोबरा चांठी पुल का जो है लोकार्पण किया गया है। लोगों में जरूर खुशी का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है। 14 साल के बाद जो इंतजार लोग 14 साल से करीब कर रहे थे वो खत्म हो गया है। 3 अरब की लागत से इस पुल का निर्माण किया गया है। साथ ही विरोध भी इस पुल के निर्माण के दौरान काफी बड़ी संख्या में देखने को मिला था, उसके बावजूद इस पुल का काम पूरा किया गया है और प्रतापनगर की जनता को इस पुल की सौगात आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से दी गई है। 21वें स्थापना दिवस को लेकर तैयारियां जहां की जा रही है, गैरसैंण में इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। उसी बीच आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से प्रतापनगर की जनता को डोबरा खिलाफ जो आंदोलन चले उनसे लेकर के तो बता दें कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से डोबरा चांठी पुल की सौगात प्रतापनगर की जनता को दी गई है। इस दौरान उन्होंने जनता को बधाइयां एवं शुभकामनाएं जरूर दी हैं, क्योंकि काफी लंबे समय से जनता इस पुल के निर्माण का इंतजार कर रही थी और आखिरकार इस पुल का तोहफा जो है प्रतापनगर की जनता को वो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से दे दिया गया है। 14 साल से करीब जनता वहां पर इंतजार कर रही थी, जिसके बाद इस पुल का निर्माण कार्य आखिरकार समाप्त हो गया है। इसमें करीब 3 अरब का जो है खर्चा लगा है, यानी कि 3 अरब की लागत से इस पुल का निर्माण किया गया है। जनता काफी ज्यादा उत्सुक प्रतापनगर की देखने को मिल रही है। इस दौरान आपको बता दें कि बहुत बड़ी संख्या में लोग भी वहां पर मौजूद थे। प्रतापनगर की जनता में खुशी की लहर जरूर है, क्योंकि 14 साल का इंतजार थी जिस पीड़ा से आज ये पुल का लोकार्पण हम कर पा रहे हैं। और इसलिए बहनों भाइयों, ये बेहद खुशी का मौका है। एक ऐतिहासिक झूला पुल यहां पर बना है, मोटरेबल झूला पुल यहां पर बना है, देश का सबसे लंबा झूला पुल बना है। और इससे केवल प्रतापनगर के लिए सड़क नहीं खुली है, केवल वहां तक के लिए पहुंच मार्ग नहीं बना है, ये विकास का बड़ा भारी द्वार आज इस क्षेत्र के लिए खुला है। बड़ा भारी विकास का द्वार खुला है। हमको किसी को सुविधा महसूस हो रही होगी कि अब हम 50 किलोमीटर कम जाएंगे, अब हम 60 किलोमीटर कम जाएंगे, हम पहले 4 घंटे में पहुंचते थे अब 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। मैं इसको इतना नहीं सोचता, मैं इससे आगे की सोचता हूं कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमारी जो आने वाली जनरेशन है, उसको ये पुल क्या क्या देने वाला है। आप कल्पना करेंगे, और हो सकता है कि किसी को कल्पना ना हो रही हो, लेकिन मेरे सामने वो भविष्य मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है जब पर्यटन के लिए क्षेत्र देश और दुनिया के लोग यहां पर आएंगे। मुझे याद है यहां पर तमाम मैंने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को यहां पर भेजा। मेरे पास अमेरिका से कुछ होटेलियंस आए, उन्होंने कहा साहब हम टेहरी में होटल बनाना चाहते हैं। मैंने कहा भाई टेहरी आपने देखा है क्या कि आप जो पुल बनाना वहां पर होटल बनाना चाहते हैं। कि साहब हमने 32 मीटर चालू फिल्म में देखा। अब आप कल्पना करिए, एक फिल्म की शूटिंग हुई, उस शूटिंग ने कहां कहां तक दुनिया के कोने कोने तक इसको पहुंचाने का काम किया। हमने फिल्म इंडस्ट्री को उत्तराखंड में आमंत्रित किया। हम ये चाहते हैं कि ये इलाका हमारा कभी, अब मैं अब जब देख रहा था, मैं ऊपर आसमान से इसको देख रहा था, मैंने यहां सड़क से उतरकर इस चारों तरफ मैंने अपनी दृष्टि दौड़ाई। तो बता दें कि डोबरा चांठी पुल की सौगात मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से जनता को दी गई है। आज इस पुल को तोहफे के तौर पर प्रतापनगर की जनता को दिया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस दौरान जो है जनता को काफी ज्यादा बधाइयां भी दी हैं, शुभकामनाएं दी हैं, और साथ ही कहा है कि काफी लंबे समय का जो इंतजार था वो आखिरकार खत्म हो गया है। और इसी के साथ जनता में भी काफी ज्यादा उत्सुकता, काफी ज्यादा खुशी जरूर देखने को मिली है। इस ऐतिहासिक क्षण में मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को, माननीय विधायक प्रतापनगर श्री विजय सिंह पवार जी को, अपने प्रतापनगर के समस्त जनता की ओर से हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो है इतनी हमारे जो संघर्ष था हमारे प्रतापनगर लोगों का, आज जो है हमारा सपना पूर्ण हो चुका है। अब इससे हमारी जो है हमें जो है इससे अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत फायदा होगा और हमारे जो कम से कम 150 किलोमीटर की दूरी कम होगी। तो आज डोबरा चांठी पुल की सौगात प्रतापनगर की जनता को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से दी गई है। बहुत ज्यादा बधाइयां और शुभकामनाएं उन्होंने जनता को दी है। और इसी बीच जनता काफी ज्यादा उत्साहित वहां की नजर आई, काफी ज्यादा उत्सुक जनता इस पुल को लेकर भी, और खुशी का माहौल जरूर है।